हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के यूजेस के बारे में, तो अबाउट द इफेक्ट ऑफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें हमने प्लस आई माइनस आई, इसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सभी के यूजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और यहां पर जिस प्रॉब्लम पर मैंने आपको फिनिश किया था पिछले लेक्चर को, उसको एक बार और से डिस्कस करने की बात करते हैं, एक बार और उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देयर इज अबाउट द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात किया आपसे पहले। देखे वो स्ट्रक्चर थे एनिलीन, स्ट्रक्चर वन इज एनिलीन, स्ट्रक्चर टू इज ऑर्थो टॉलुडीन और एनिलीन, मिथाइल एनिलीन भी कह सकते हो आप इसको, मिथाइल एनिलीन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्थो मिथाइल एनिलीन और ऑर्थो टॉलुडीन भी कहते हैं इसको। अब इसके बाद मेटा टॉलुडीन, और मेटा टॉलुडीन के बाद बात आई पैरा टॉलुडीन की। तो ये स्ट्रक्चर्स थे जिनके बेसिक ऑर्डर को हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो दिस इज स्ट्रक्चर थ्री एंड दिस इज स्ट्रक्चर फोर, ये चार स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, नो ग्रुप अटैच्ड, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू ग्रुप। तो पहले वाले ग्रुप में क्या देखना है, नो एनी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नो एनी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज देयर, ग्रुप इज देयर, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, ओके, नो चेंज इन बेसिसिटी। तो ग्रुप के कारण कोई बेसिसिटी चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन बेसिसिटी। तो जो बेसिसिटी है उसकी वही रहेगी, वो ग्रुप के कारण चेंज नहीं होगी, नो एनी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज देयर, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं सेकेंड पोजिशन पर ऑर्थो टॉलुडीन की, ऑर्थो टॉलुडीन। तो ऑर्थो टॉलुडीन के पास क्या है, देखो ऑर्थो टॉलुडीन की जो सिचुएशन है उसमें इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन बाय प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू यहां पर इसके लिए मैक्सिमम होगी, प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम, प्लस आई इफेक्ट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम, क्योंकि ग्रुप क्लोज है, नाइट्रोजन से बिल्कुल क्लोज है। तो प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू यहां पर कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। और जब हम बात करेंगे अपने थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, तो थर्ड स्ट्रक्चर अबाउट दिस वन, तो थर्ड स्ट्रक्चर मेटा टॉलुडीन, तो ओनली प्लस आई इफेक्ट इज हियर, ओनली प्लस आई इफेक्ट इज हियर, प्लस आई इफेक्ट यहां पे काम करेगा, क्योंकि जो रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, जो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, वो केवल ऑर्थो पैरा पोजिशन पर काम करता है, इट डज नॉट रिलेटेड विद द मेटा पोजिशन, उसका रेजोनेंस का मतलब मेटा पोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ओनली बाय प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर केवल एक इफेक्ट काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब बारी आई पैरा टॉलुडीन की, तो पैरा टॉलुडीन में क्या हो रहा है, देखो प्लस आर इफेक्ट एंड, और ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, दोनों इफेक्ट यहां पे काम कर रहे हैं, प्लस आर और प्लस आई, जहां पे
प्लस आई इफेक्ट इज मिनिमम। प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम होगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट इज मिनिमम, और प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे कैसा होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो कैसा है? अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन से दूर है। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होना चाहिए कंपाउंड वो कौन सा होना चाहिए? ऑर्थो टोलुडीन को सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। इन स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो टोलुडीन को सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्लस आर भी डोमिनेट कर रहा है और प्लस आई भी डोमिनेट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक किसको होना चाहिए? ऑर्थो टोलुडीन को होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिक्वेंसिंग, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस, अब जो यहाँ पे बेसिक ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का कंपाउंड है पैरा टोलुडीन। दो इफेक्ट काम कर रहे हैं वहां पर, प्लस आर भी काम कर रहा है और प्लस आई भी काम कर रहा है, हालांकि प्लस आई इफेक्ट उसके साथ मिनिमम है। पैरा टोलुडीन के बाद आएगा ऑर्थो टोलुडीन, मतलब ऑर्थो टोलुडीन का जो बेसिसिटी है वो पैरा से कम हो गया। ठीक है, प्लस आर और प्लस आई दोनों उसमें डोमिनेटिंग थे, लेकिन फिर भी उसका बेसिक ऑर्डर कम हो गया। उसके बाद आएगा मेटा टोलुडीन, दिस इज ओनली ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि यहां पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और लास्ट में जो बेसिसिटी आएगी वो एनिलीन की आएगी। तो फिर से यहां पे एक बात आई कि जो ऑर्थो टोलुडीन है उसका बेसिक नेचर पैरा टोलुडीन से कम क्यों हुआ? क्योंकि उसमें तो आई इफेक्ट भी डोमिनेटेड था और आर तो डोमिनेटेड है, आर तो रेजोनेंस तो सभी में कॉमनली है ही इसमें स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो व्हाई द पैरा टोलुडीन इज लेस बेसिक देन ऑर्थो टोलुडीन। अब ये बात यहां पे एक नई चीज आ गई है ना, तो ऑर्थो टोलुडीन का जो बेसिक ऑर्डर है वो पैरा टोलुडीन से कम क्यों है, उसके बारे में बात करना पड़ेगा। अब जैसे डायरेक्टली लिख दिया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट के कारण, तो अब ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये बातें हमको समझ में आएगी क्लियरली। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर व्हाई द बेसिसिटी ऑफ why the basicity of ortho toluidine is less than para toluidine। ortho toluidine ka basicity para toluidine se kam kyun hai? why the basicity of ortho toluidine is less than para toluidine? ऑर्थो टोलुडीन का जो बेसिसिटी है वो पैरा टोलुडीन से कम क्यों है, इस बात को समझना है। तो इसका जो लॉजिक है इट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। एक स्टेटमेंट में कहा तो ये हो जाएगा इट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ये नया इफेक्ट क्या है इसको स्टडी करना पड़ेगा। इट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, तो एक ध्यान रखना है एक बात, when इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब कोई सा भी ग्रुप हो, पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट विथ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट विथ एनिलीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट विथ एनिलीन it decreases the basicity of aniline it decreases the
basicity of aniline. It is known as ऑर्थो इफेक्ट. इट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसी भी टाइप का ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज ऑन ऑर्थो पोजिशन. इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑर्थो पोजिशन की बेसिसिटी को कम कर देंगे. डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन. इट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट. और इसको हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट. इट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट. अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं. इट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट. तो देखो अगले हिस्से में, तो जब ऑर्थो पोजिशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो उसके बेसिसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा. इट डिक्रीज द बेसिसिटी. इट डिक्रीज द बेसिसिटी. एंड व्हाई द बेसिसिटी इज डिक्रीजेस उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है कि बेसिसिटी कम क्यों हो जाती है, व्हाई द बेसिसिटी इज डिक्रीजेस. तो ऑर्थो पोजिशन पर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो बेसिसिटी को कम कर देगा. इट डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड. इट डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड. अब ऐसा इसका क्या लॉजिक होगा उसकी बात करते हैं. तो देखो यहाँ पे जैसे ऑर्थो टॉलोडीन की बात किया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप इज देयर. NH2 ग्रुप इज देयर विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है. देयर इज अ लोन पेयर. जब आप इसको वाटर के अंदर डालोगे, तो जब आप इसको वाटर में डालोगे तो क्या होगा, वाटर के प्रोटॉन को ये गेन करेगा, वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, है ना. वाटर से प्रोटॉन ले लेगा मतलब इसने क्या किया, इसने एक नया ग्रुप बनाया. वाटर से प्रोटॉन ले लिया इसने, और प्रोटॉन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन इसने वाटर के साथ शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और ये CH3+. ठीक है, और ये जो ग्रुप है इसका अब दोनों कैसे हो गए हैं, बल्क ऑफ ग्रुप हो गया है. बल्क ऑफ ग्रुप इज देयर, है ना. तो दो बल्क ऑफ ग्रुप इज देयर. बल्क ऑफ ग्रुप, बल्कि ग्रुप हो गया. बल्कि ग्रुप इज देयर. बल्कि ग्रुप इज देयर. बल्कि ग्रुप इज देयर. ओके, बल्कि ग्रुप इज देयर. इट काजेस द रिपल्शन फोर्स. इट काजेस द रिपल्शन फोर्स. और ये क्या काम करेगा, रिपल्शन फोर्स करेगा. ये एक दूसरे को रिपल करेंगे. स्टैटिक हिंड्रेंस जैसा फिनोमेना हो गया ये, है ना. इट काजेस बल्कि ऑफ ग्रुप इज द इज देयर. बल्कि ऑफ ग्रुप इज क्लोजर भी कह सकते हैं हम. बल्कि ऑफ ग्रुप इज क्लोजर. एंड इट काजेस बल्कि ऑफ ग्रुप इज क्लोजर. बल्कि ऑफ ग्रुप इज द क्लोजर. एंड इट काजेस द रिपल्शन. इट काजेस द रिपल्शन. बल्कि ऑफ ग्रुप इज देयर एंड इट काजेस द रिपल्शन. और इसके कारण क्या होगा, रिपल्शन होगा. और रिपल्शन होगा तो जो एनिलीन एनिलीनियम आयन जो बना है, जैसे ही रिपल्सिव फोर्स शुरू होगा तो जो एनिलीनियम आयन है वो थोड़ा दूर जाता हुआ दिखेगा. अब इसको अपेयरेंस, अब इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. बल्कि आप ग्रुप हुआ तो रिपल्शन होगा. रिपल्शन होगा तो जो एनिलीनियम आयन है वो एग्जैक्ट लोकेशन से क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा. एनिलीनियम आयन एग्जैक्ट लोकेशन से क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा. थोड़ा दूर जाता हुआ दिखेगा, मतलब रिपल्शन के कारण वो अपने प्लेन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा. अपने प्लेन से हट जाएगा रिपल्शन के कारण. तो रिपल्शन के कारण जो है वो दूर चला जाएगा, है ना. रिपल्शन के कारण दूर चला जाएगा एनिलीनियम आयन जो है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल दूर चला जाएगा. एंड इट इज तो एनिलीनियम आयन शिफ्ट हो जाएगा अपनी पोजीशन से. एंड इट इज लेस स्टेबल. और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड इट इज
लेस स्टेबल, एंड इलिनियम आयन रिपल्सिव फोर्स के कारण इट इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स प्लेन। मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि ये चीज क्लियर हो, बल्कि ऑफ एल्काइल ग्रुप इज देयर, बल्कि ऑफ एल्काइल ग्रुप इज द क्लोजर एंड इट कॉजेज द रिपल्शन, इट कॉजेज द रिपल्शन, इट कॉजेज द रिपल्शन। सो द NH3 प्लस आयन, NH3 प्लस एनिलिनियम बोलते हैं इसको, एनिलिनियम, एनिलिनियम, सो NH3 प्लस आयन, एनिलिनियम आयन इज स्लाइटली अवे फ्रॉम प्लेन, जिस प्लेन में था उससे दूर हो जाएगा, अवे फ्रॉम प्लेन, एनिलिनियम आयन इज अवे फ्रॉम प्लेन, एंड एनिलिनियम आयन इज अवे फ्रॉम प्लेन, एंड इट इज लेस स्टेबल, और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एंड एनिलिनियम आयन इज लेस स्टेबल, और एनिलिनियम आयन कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, हेंस इट इज लेस बेसिक। ठीक है, तो एक बात अब यहां पे इंपॉर्टेंट आ गई कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, व्हेन एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज एट द ऑर्थो पोजिशन, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला या खींचने वाला ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर है, तो वो उसका बेसिक ऑर्डर कम हो जाएगा, इट्स बेसिक ऑर्डर इज डिक्रीजेस, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो पोजिशन पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसका बेसिक ऑर्डर कम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन पर होने के कारण क्या होगा, NH2 और CH3 या कोई भी ग्रुप है, दोनों कैसे होंगे, पास पास होंगे, तो जब वाटर के अंदर डालेंगे तो जो एनिलिनियम आयन बनेगा उसमें और इस ग्रुप में, जो ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजिशन पर, उन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, और उस रिपल्सिव फोर्स के बढ़ने के कारण वो अपने प्लेन से कुछ दूर हो जाएगा, थोड़ा रिपल्सन होने के कारण आप ऐसा महसूस करो जैसे कहीं रिपल हो रहा है, तो थोड़ा दूर हो जाएगा, और डिस्टेंस क्रिएट हुआ, दूर हुआ, तो जो यहां के जो पाई इलेक्ट्रॉन है अब वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस सिस्टम से अलग हो गए, वो अलग अलग प्लेन में हो गए, तो स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, और स्टेबिलिटी कम होने के कारण, स्टेबिलिटी कम होने के कारण जो ऑर्थो डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन अनिलीन के जो ऑर्थो डेरिवेटिव्स हैं, उनका बेसिक नेचर कम हो जाएगा, तो ड्यू टू लेस स्टेबल आयन द बेसिसिटी इज डिक्रीजेस, ड्यू टू लेस स्टेबल आयन द बेसिसिटी इज डिक्रीजेस, और आयन की स्टेबिलिटी के कम होने के कारण बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो प्लेन में नहीं रहेगा, तो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन है, अब वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, ओके। जबकि अगर आप एनिलीन के केस को देखो, जैसे हम एनिलीन की भी बात कर लें यहां पे, तो एनिलीन का जो केस है, जैसे ये हुआ नॉर्मल एनिलीन, अगर एनिलीन में, एनिलीन को आप वाटर में डालोगे तो ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस एनिलिनियम आयन, ये एनिलिनियम आयन ये भी प्रोड्यूस करेगा NH3 प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा ये, लेकिन ये इसके पास ऑर्थो पोजिशन पर कोई ग्रुप नहीं है, ऑर्थो पोजिशन पर कोई ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजिशन, ठीक है, तो अगर ऑर्थो पोजिशन पर कोई ग्रुप नहीं है तो नो रिपल्शन, कोई रिपल्शन नहीं होगा, और अगर रिपल्शन नहीं होगा तो ये बेंजीन के साथ उसके प्लेन में ही रहेगा, दोनों एक साथ रहेंगे, और अगर प्लेन में रहेगा इट मींस द इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द बेंजीन इज स्टेबलाइज द एनिलीन, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, बेंजीन को स्टेबलाइज कर पाएंगे, इसलिए एनिलिनियम आयन जो होता है वो स्टेबल होता है, एनिलिनियम आयन इज स्टेबल हियर, ओके। लेकिन चूंकि बेसिसिटी प्लस आई इफेक्ट भी है, तो उसके कारण भी डिपेंड, उस पर भी डिपेंड करेगी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन चीजों को देखो, समझने में तो ठीक है, आ गया बात, लेकिन इन चीजों को ध्यान रखना है कि ऑर्थो पोजिशन पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है एनिलीन के साथ, तो वो क्या करेगा, उसकी बेसिसिटी को कम कर देगा,
कम कर देगा, इट डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ दैट ग्रुप, इट डिक्रीज द बेसिसिटी, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। इसको ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं क्योंकि वो दो बल्कि आप ग्रुप, दो बल्कियर ग्रुप पास पास हो जाएंगे, टू बल्कियर ग्रुप्स आर क्लोजर, और क्लोज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्लोज होने के कारण वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, जिससे जो NH2 ग्रुप है वो अपने नॉर्मल प्लेन से डिस्प्लेस हो जाएगा, इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल प्लेन, एंड द इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन नाउ कैन नॉट स्टेबलाइज दैट स्पेसिस। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो बेंजीन का है वो अब उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा और लेस स्टेबल होगा, इसलिए बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो लेस स्टेबिलिटी के कारण बेसिक नेचर कम हो जाएगा, ओके। तो ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी द बेसिक नेचर इज डिक्रीजेस, ठीक है। अब एक और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, वन मोर स्ट्रक्चर इज देयर, एक और स्ट्रक्चर को यहां पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर यहां पे देखें, अब वही सिचुएशन, ऑर्थो मिथॉक्सी एनिलीन, ऑर्थो मिथॉक्सी एनिलीन, और इसके बाद मेरे पास अगला स्ट्रक्चर है ऑर्थो मिथॉक्सी एनिलीन के बाद मेटा मिथॉक्सी एनिलीन, और तीसरा स्ट्रक्चर है मेरे पास, थर्ड स्ट्रक्चर इज देयर पैरा मिथॉक्सी एनिलीन, पैरा मिथॉक्सी एनिलीन, द थर्ड स्ट्रक्चर इज देयर ऑफ पैरा मिथॉक्सी एनिलीन, ओके। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे फिर से ऑर्थो इफेक्ट वैलिड होगा, और ऑर्थो इफेक्ट अगर आया तो ऑर्थो का बेसिसिटी पहले हम लोग लिखते हैं, प्लस आर प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट यहां पे कैसा होगा, मैक्सिमम, प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम, प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम, यहां पे क्या होगा, ओनली प्लस, सॉरी ओनली प्लस आई, ओनली प्लस आई, क्योंकि यहां पे आर इफेक्ट नहीं आता, मेटापोजिशन पर कोई, मेटापोजिशन पर कोई रेजोनेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो पॉजिटिव मिसोमेरिक से रिलेशन है रेजोनेंस का, और वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर लीड करता है। यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस आर प्लस आई, और प्लस आई कैसा है, मिनिमम, प्लस आई इज मिनिमम, प्लस आई कैसा है, मिनिमम। बट अगर हम बेसिसिटी की बात करेंगे, अगर हम बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बेसिसिटी की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आएगा पैरा, देन आएगा ऑर्थो, और देन आएगा मेटा, देन आएगा ऑर्थो और देन आएगा मेटा, ठीक है। तो यहां पर भी ऑर्थो का जो बेसिसिटी है वो मेटा से कम है, द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो स्पीसीज इज अगेन लेस देन मेटा। तो ऑर्थो और मेटा में बेसिस, ऑर्थो और पैरा में बेसिसिटी का अंतर क्यों आया, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो और पैरा में बेसिसिटी का अंतर क्यों आया, ऑर्थो इफेक्ट के कारण आया। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण कंपाउंड का बेसिक नेचर कम होता है, ठीक है। तो यहां पे बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से जो एसिड होते हैं, जो एसिड्स हैं उसमें ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो एक बार इसको हम लोग एसिड के टाइम पर फिर से रिवाइज कर लेंगे, तो फिर से रिवाइज करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि दोबारा दोबारा ये आ जाएगा, तो फिर से ध्यान रखने में आसानी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। तो बेसिक नेचर के बाद डिस्कस करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। तो पहले बिल्कुल सिंपली वहीं से स्टार्ट करेंगे, एसिड तो क्या हो जाएगा, एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड, डोनेट, डोनेट एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो जलीय विलयन में एच प्लस आयन दान करते हैं, डोनेट एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, किसने कहा था ये, आर्हेनियस ने कहा था, डोनेट एच प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन डोनेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं।
डोनेट एच प्लस आयन, और इसके बाद डोनेट डोनेट प्रोटॉन, डोनेट प्रोटॉन, जो ग्रुप प्रोटॉन डोनर है डोनेट प्रोटॉन, जैसे मैंने कहा एसिटिक एसिड तो कैन ट्रांसफर अप प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने वाले जो कंपाउंड है उनको भी हम एसिड कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? लुईस ने दिया। तो दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय लुईस। लुईस ने ऐसा कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा वो एसिड है। इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने वाले जो स्पीसीज हैं वो कैसा काम करते हैं? इट इज एक्ट एज अ एसिड। ठीक है, और क्या क्या ध्यान रखना है एसिड के बारे में? तो सिंपली अभी हम लोग एसिड को डिफाइन कर रहे हैं, सॉर्टेस्ट खट्टा होता है टेस्ट में, है ना, सॉर टेस्ट। इसके बाद पीएच वैल्यू लेस देन 7, पीएच वैल्यू लेस देन 7, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। टर्न टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा वो एसिड है। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू, रेसिप्रोकल टू पी के ए वैल्यू। के ए इज द एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट मतलब जितना फास्ट प्रोटोनेशन होगा, जितना फास्ट एसिड टूटेगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा, और के ए का अपोजिट वैल्यू जो होता है वो पी के ए वैल्यू होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सेंट्रल की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और रेसिप्रोकल टू प्लस आई इफेक्ट, रेसिप्रोकल टू प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट बेसिक नेचर को बढ़ाता है, एसिडिक नेचर को कम करेगा, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड उतना ज्यादा होगा। और आपने देखा कि सभी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ नया ऐसा आ जाता है जिसको फिर से एक्सप्लेन री एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इतने सारे क्राइटेरिया बनाए हैं कि ताकि सभी चीजें उसमें कहीं ना कहीं फिट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कहीं ऑर्थो इफेक्ट, कहीं पैरा इफेक्ट, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनको हमें अलग से भी ध्यान देना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, रेसिप्रोकल टू पी के ए, रेसिप्रोकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, और रेसिप्रोकल टू प्लस आई इफेक्ट, एंड रेसिप्रोकल टू पीएच वैल्यू, रेसिप्रोकल टू पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू भी जितना कम होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा।
तो रेसिप्रोकल टू पीएच वैल्यू। तो दिस इज द क्राइटेरिया यूज टू जस्टिफाई द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। ये वो क्राइटेरिया है जिससे हम एसिडिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजेस इन द पीरियड एंड डिक्रीजेस इन द ग्रुप, ये भी ध्यान रखेंगे। तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस इन अ पीरियड, इंक्रीजेस इन अ पीरियड एसिडिक नेचर पीरियड में बढ़ता है, इंक्रीजेस इन अ पीरियड। जैसे हमने आपको बताया था SiO2 से लेस एसिडिक हो, SiO2 कम एसिडिक होगा सल्फर के बाद P2O5 से, P2O5 इज लेस एसिडिक देन SO2 एंड इट इज लेस एसिडिक देन Cl2O7। तो ये हो गया मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिक नेचर पीरियड में जाने पर कम होता जाता है, पीरियड में जाने पर एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, है ना। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई दैट इज रिलेटेड विद द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। अब बात करते हैं आगे के हिस्से में, तो आते हैं क्वेश्चंस पर और वन बाय वन बात करते हुए आगे चलेंगे, क्वेश्चंस पर वन बाय वन काम करते हैं, ठीक है। तो अबाउट एसिडिक नेचर, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अगर मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड्स हैं, फॉर्मिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी प्रोपनोइक एसिड और डी ब्यूटानोइक एसिड, CH3, CH2, CH2, COH, ब्यूटानोइक एसिड। तो दीज आर द एसिड, ये एसिड्स हैं मेरे पास। अब इसमें से ये जस्टिफाई करना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज द आंसर, आंसर इज ए। आंसर क्या हो गया, आंसर इज ए, पहला वाला जो एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए दिस इज प्लस आई, है ना। तो जितना कार्बन चेन बड़ा होगा, जितनी कार्बन चेन लंबी होगी, ठीक है, उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो मोर द प्लस आई इफेक्ट लेस द एसिडिक नेचर। प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एसिडिक नेचर उतना कम हो जाएगा। सो इन दिस केस फॉर्मिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, इसलिए इस केस में फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। मोर द प्लस आई इफेक्ट लेस द एसिडिक नेचर, तो प्लस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा, एसिडिक नेचर उतना कम हो जाएगा। मोर द प्लस आई इफेक्ट लेस द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, ओके। तो प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने के साथ साथ एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, CH3, CH2, COH, बी CH2 डबल बॉन्ड CH, COH, सी CH ट्रिपल बॉन्ड CCOH और डी All having same acidic strength. तो कैसे चलेंगे इस पे, कैसे काम करेंगे, all having same acidic strength। तो देखो पहला वाला क्या बताया था आपको, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एस कैरेक्टर कितना 50% एस कैरेक्टर, डबल बॉन्ड में 66.66% एस कैरेक्टर और सिंगल बॉन्ड में
33.33 एंड हियर 25% एस कैरेक्टर। तो क्या ध्यान रखेंगे, मोर एस कैरेक्टर मोर एसिडिक नेचर, मोर एस कैरेक्टर मोर एसिडिक नेचर, मोर द एस कैरेक्टर मोर द एस कैरेक्टर मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर। ओके, तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, मोर द एस कैरेक्टर मोर द एसिडिक नेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा दैट टाइम, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके, तो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, मोर द एस कैरेक्टर मोर द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगेन द क्वेश्चन इज सेम। अब देखो, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और द लास्ट ऑप्शन इज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, द क्वेश्चन इज अगेन सेम, विच वन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, द आंसर इज डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर इज डी, मोर नेगेटिव आई इफेक्ट, जितना नेगेटिव आई इफेक्ट बढ़ेगा, मोर नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर। ओके, तो नेगेटिव आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर, मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। एज यूजुअल फिर से एक क्वेश्चन इज एज इट इज लेते हैं इसी के जैसा, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नाउ क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आयोडो एसिटिक एसिड एंड फ्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो आंसर इज व्हाट, अगेन द आंसर इज डी, आंसर क्या हो जाएगा फिर से, डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन द लॉजिक इज मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट, मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर। ओके, तो मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर, नेगेटिव आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड का एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो नाउ द फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द सिक्वेंसेस, इस सिक्वेंस में फ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, फ्लोरो एसिटिक एसिड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द सिक्वेंसेस। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड द ऑप्शंस आर देयर, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड एंड फाइनली ऑल हैव बीन सेम, या कोई सा भी दूसरा ऑप्शन ले लो, प्रोपेनोइक एसिड ले लिया, चलिए कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो यहां पर देखो दो एसिड हैं, एक तो HCOOH और एक बेंजोइक एसिड, एसिटिक में प्लस आई वाला ग्रुप है तो लेस हो जाएगा, इसमें दो दो प्लस आई वाले ग्रुप हैं तो ये और कम हो जाएगा, है ना। अब कंफ्यूजन जो होगा वो फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में होगा, कि फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट। और रियली अगर आपको ये बात पता नहीं होगी, आप एग्जैक्टली नहीं जानते हो, तो आंसर आप बेंजोइक एसिड कर दोगे, बट द आंसर इज फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, आसानी से स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, नो एनी अदर ग्रुप, कोई अन्य समूह नहीं है, नो एनी अदर ग्रुप, और ये क्या करेगा इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और ये स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगे, दोनों जो
ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ रेजोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब बेंजोइक एसिड में देखो क्या सिचुएशन है, बेंजोइक एसिड में निकलने के बाद ये रेजोनेट तो करेगा, रेजोनेट तो करेगा, लेकिन ये सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, तो जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन है वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टेबलाइज करेगा, तो लेस माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कम होता है, बहुत लास्ट में था अगर आपको सीरीज याद होगी तो, लेस माइनस आई इफेक्ट, मोर प्लस आर इफेक्ट, मोर प्लस आर इफेक्ट विच डिस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर, विच डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो ड्यू टू हायर रेजोनेंस लेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, यहां पे वो कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो लेस माइनस आई इफेक्ट और मोर आर इफेक्ट के कारण एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड, देखिए ये कंपैरिजन है, ऐसा नहीं कह सकते, मैं बाद में ऐसा भी कहूंगा कि कार्बोक्सिलेट आयन यहां पे ज्यादा स्टेबल है, ऑर्थो पोजीशन पे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ये हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर्मेट और बेंजोएट के बारे में, दिस इज कंपैरिजन बिटवीन फॉर्मेट एंड बेंजोएट, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है और प्लस आर इफेक्ट के कारण आप ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बार बार बढ़ेगी, तो बेंजोइक एसिड का जो एच है, OH ग्रुप है, उसका एच को पुल करने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगा और लेस स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा ये, क्योंकि ये बार बार रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर इंक्रीज भी करेगा। तो एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड बात कर रहे हैं हम लोग, एज कंपेयर टू फॉर्मिक एसिड। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो टॉक अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अगला स्ट्रक्चर लेते हैं नाउ अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है इसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर वन दैट इज NO2 CH2 COH फ्लोरो एसिटिक एसिड, ओके क्लोरो एसिटिक एसिड, और द ऑप्शन डी इज एसिटिक एसिड। तो अब क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर दिस टाइम, नाइट्रो एसिटिक एसिड, नाइट्रो एसिटिक एसिड, मोर नेगेटिव आई इफेक्ट, मोर नेगेटिव आई इफेक्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई इफेक्ट वाला ग्रुप है नाइट्रो, सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आई इफेक्ट है नाइट्रो का इन दिस कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड, इन सब में से नाइट्रो का आई इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नाइट्रो एसिटिक एसिड इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, नाइट्रो एसिटिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एक और ब्लॉक पॉइंट आपके लिए मैं बनाता हूं, फिनॉल C6H5OH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, एंड वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, हालांकि वाटर भी न्यूट्रल होता है, वाटर इज ऑल्सो न्यूट्रल, ओके। तो ये एक सीक्वेंस अलग से ध्यान रखना है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन, वाटर इज मोर एसिडिक देन मिथाइल अल्कोहल, तो वाटर का एसिडिटी मिथाइल अल्कोहल से ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें नेगेटिव आई की सीरीज को बहुत अच्छे से याद करना है, तो रिवाइज द सीरीज ऑफ नेगेटिव आई, उसके बिना काम नहीं चल सकता, और जहां जहां पर कुछ टिपिकल चीजें आ जाती है, जैसे ऑर्थो इफेक्ट आ गया या कहीं पे कोई नई बात आ गई, तो उनको कंसंट्रेट करके ध्यान में रखना है, कई बार उनको दिन में रोज सोचना है कि ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, तब जाके वो चीजें आपको अच्छे से रिवाइज्ड हो पाएंगी और तभी जाके आप उसको याद रख पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल के डिफरेंट फॉर्मेट्स के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे, और
उसके बाद फिर बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, मतलब एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन इन सब रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।